अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और उन खबरों का जायज़ा, खबरें तो बहुत ज़्यादा हैं और उनमें हमारी कोशिश होती है कि मुसबत खबर हम तलाश कर पाएँ, लेकिन क्या करें, मुसबत खबर नहीं मिलती। इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ही आज ज़ेर बहस रहे पाकिस्तान के गली कूचों के अंदर कि वो उन्होंने बाहर जाने से इनकार कर दिया। PMLN इंतज़ार करती रही कि शायद कोई सैनिटी प्रवेल कर जाए, लेकिन नहीं की तो उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच कर लिया। अब मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की बेल दो अदालतों से हुई है, एक लाहौर हाई कोर्ट से और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा है कि उन्हें मुल्क के अंदर जहाँ से भी इलाज की सहूलत दरकार है वो फराहम की जाए, और हकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को फॉलो कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने जब बेल दी तो उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ जहां पे भी चाहें, उन्होंने अंदरून मुल्क की शर्त नहीं लगाई, तो मियां नवाज शरीफ की जो फैमिली और वकला हैं वो इस जजमेंट को लेके चलते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट भी है कि जब जुडिशल आर्डर आ जाता है, अदलिया का हुक्म आ जाता है, तो उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन आर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर उस हुक्म के इतलाक के लिए तो जारी हो सकता है, लेकिन उस हुक्म को सबवर्ट करने के लिए नहीं, उसकी इतलाक में रकावट डालने के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता। उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। ये दुनिया भर के अंदर और एंग्लो सैक्सन लॉ जिन जिन ममालिक में प्रैक्टिस होता है वहाँ पे तो यही प्रैक्टिस है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में तारीख, हिस्ट्री 72 साल में पहली मरतबा लिखी जा रही है, ठीक है, और कानून, आइन सब कुछ पहली दफ़ा री राइट किया जा रहा है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। और मियां नवाज शरीफ ने कंडीशनली बाहर जाने से इनकार कर दिया है, और हुकूमत का बयानिया है कि जनाब इतने पैसे हैं आपके पास और 7 अरब रुपया दें और जाएं, लेकिन कल जो नोटिफिकेशन जो किसी ने भिजवाया उसमें 1.5 अरब रुपए की रकम लिखी हुई थी। एनी हाउ 7 अरब रुपए की कैश नहीं है, ये 7 अरब रुपए का एसेट भी नहीं है, 7 अरब रुपए की एक श्योरिटी जनरेट करवानी है और वो बैंक ने करनी है, और वो बैंक जो है अगर मेरी क्रेडिबिलिटी है तो वो बगैर किसी एसेट के भी मुझे जनरेट करके दे सकता है, और अगर मैं एक डिसक्रेडिट पर्सन हूँ या मुझे कोई नहीं जानता इस मुआशरे के अंदर तो मेरा एसेट भी प्लेज कर सकता है, दोनों काम हो सकते हैं। इसलिए बैंक मेरी क्रेडिबिलिटी और मेरे उसके ऊपर देखेगा और जैसे भी मुनासिब ख्याल करेगा, बैंकर का प्रीडोगेटिव होगा, वो श्योरिटी जो है बॉन्ड जिसे आप कहते हैं वो जनरेट कर देगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैंने नहीं जाना, और जो खबरें हैं जाती उम्रा से वो यही हैं कि उन्हें फिर ना जाने का एक जवाब मिल गया है। इस वक्त जबकि ये बातें डिस्कस हो रही हैं, साथ में एक चीखो पुकार का आलम है जो पाकिस्तान के अंदर जारी है। इस वक्त पाकिस्तान में देखिए, दुनिया के अंदर हमेशा रहा है कि जो मौसम की सब्जियाँ होती हैं वो सस्ती होती हैं, और जो गैर मौसमी सब्जियां होती हैं वो महंगी होती हैं, और हम हर सांस के साथ जो एक मंत्रा गाते हैं कि पाकिस्तान को फितरत ने तमाम मौसमों से सरफराज कर रखा है, ये वाहिद खिता है जिसमें एक वक्त में एक जगह के ऊपर 15 डिग्री -15 डिग्री सेल्सियस भी होता है और 36 डिग्री सेल्सियस भी होता है, ये इसका मतलब है इस मुल्क के अंदर तो मौसमी सब्जियों की कभी कमी होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये कौन सा मौसम आ गया है जिसके अंदर कोई मौसमी सब्जी बाकी नहीं बची, सारी गैर मौसमी सब्जियां हैं जो इस वक्त 150 से लेके 100+ के ऊपर है तमाम वेजिटेबल्स। मुझे याद है वंस अपॉन ए टाइम हम रिपोर्टिंग किया करते थे तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एवरेज प्राइस था सब्जी का नॉर्मली वो 10 रुपये था। फिर मुशर्रफ साहब का दौर नेक नामी आया तो ये बेंचमार्क बढ़ के 20 रुपए हो गया कि जो आम नॉर्मली मौसमी सब्जियां हैं वो 20 रुपए किलो तक थी। फिर उनके दौर के बाद जमहूरियत आई तो ये 20 से 40 का सफ़र इसने तय कर लिया, और 50 के राउंड अबाउट था जब ये मौजूदा हकूमत तशरीफ लाई है कि जो वेजिटेबल्स थी नॉर्मली सीजनल वेजिटेबल वो 50+ -- पे आपको फी किलो पर मिल जाया करती थी। राइट नाउ पिछले एक साल में ये बेंचमार्क जो है 156% की इंक्रीमेंट के साथ, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का डाटा है कि पिछले एक साल में वेजिटेबल की प्राइस के अंदर 156% इजाफा हुआ है।
کیا وہ سبز قدم پڑے ہیں، کیا وہ حماقتیں ہیں، کیا وہ منافع خوریاں ہیں، کیا وہ اپنے فنانسر کو نوازنے کی سازش اور کوشش ہے کہ جس کے نتیجے میں 156% انکریمنٹ ویجیٹیبل کی پرائسز میں پاکستان میں ایک سال میں لگ گئی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے، میں بڑا زیادہ ہی بول گیا ہوں، اس کے اوپر بات کریں گے. آج میرے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں اور ان کے اندر سب سے پہلے میاں سیف الرحمان صاحب ابھرتے ہوئے سینئر صحافی ہیں، ہمارے ملک کے اور کالم نگار ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ان کے ساتھ خالد فاروقی صاحب ایڈیٹر کالمسٹ تبصرہ نگار، اور ان کے ساتھ ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف اسلام آباد کے اندر، اور سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب ممتاز بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لاہور سے آغاز کر لیتے ہیں. بھٹی صاحب، آپ کے پاس چونکہ آج آپ سارا دن ان ٹچ رہے ہیں اور اس پریس کانفرنس بھی آپ نے اٹینڈ کی اور جاتی عمرہ کے ساتھ بھی آپ کنیکٹ رہے کہ کیا وہاں پہ ہو رہا ہے، تو کیا زضافِ عقل آج کیا نکلا اس پوری بھاگ دوڑ کا، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیں، اس میں یہ ہے جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاملہ جو ہوا ہے میاں نواز شریف کا وہ ہو گیا اب سب جوڈس، وہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے آج پٹیشن دائر کی میاں شہباز شریف کی جانب سے ان کے وکلا نے، اور وہ کل پر ان کی تاریخ سماعت کے لیے پھر دوبارہ مقرر ہو گئی ہے. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا جو معاملہ ان کے باہر جانے کا، اس کے اوپر ایک میاں شہباز شریف نے بڑی دھواں دار قسم کی اور حقیقت پر مبنی ایک پریس کانفرنس آج کی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ خالصتاً جو مسئلہ تھا یہ انسانی مسئلہ تھا، اور اس کے اندر جب سیاست آئی ہے تو انہوں نے ان کو اس کو کہا کہ جی غیر انسانی رویہ بھی حکومت کا آیا. انہوں نے اس کو بہت زیادہ شدید الفاظ میں ان کی مذمت کی حکومت کی، اور انہوں نے کہا کہ بار بار ہمیں یہ کہا جاتا رہا جی کہ آپ سارے وزیراعظم صاحب بھی، کہ جی وہ عید میلاد النبی کے دن بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میری حکومت کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ بالکل جہاں جانا چاہتے ہیں ملک کے، دنیا کے کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، لیکن اتنے ہی رولے اٹکائے جا رہے ہیں. ایک گیند آتی ہے نیب کی طرف سے، ایک گیند آتی ہے کورٹ کی طرف سے، ایک گیند آتی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے، ایک صوبائی وزارت داخلہ کی طرف سے، وہ گیند پھر واپس نیب پہ چلی جاتی ہے. میاں شہباز شریف نے بڑی واضح طور پر بتایا جی کہ 3 کیسز ہیں میاں نواز شریف کے خلاف، ان میں سے 2 میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، اور ایک کیس جو ہے وہ ٹوٹلی اس کو ختم کر دیا گیا ہے، انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا وہاں اسلام آباد میں، اور 2 کیس جو ہیں اس میں ان کی جو ہے ضمانت ہو چکی ہے. اور اس میں جو خاص طور پر جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ وہ جس جگہ جہاں سے جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، اپنا علاج کروا لیں، ان کو 8 ہفتے کی ضمانت جو ہے وہ دی جاتی ہے. اب حکومت جو ہے اس کو ریسٹرکٹ بھی کر رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کون سے افلاطون ہیں حکومت کے پاس کہ وہ ان کو 4 ہفتے کے اندر جو ہے ان کو ٹھیک کر کے لے آئیں گے. ان سے یہ تو ڈائگنوز ہمارے ملک میں نہیں ہو سکا، اور وہ بار بار یہ ڈائگنوز نہیں ہو سکا کہ پلیٹلیٹس گرنے کی وجہ کیا ہے، اور بار بار یہ کہا جاتا ہے جی کہ انہوں نے ایک اپنا علاج کے لیے اسپتال نہیں بنایا. بھائی بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں رئیس صاحب کے جو نہیں کر سکتے آپ. ماضی میں لوگ 10 سال یہاں پہ حکمران رہے، انہوں نے اسپتال نہیں بنایا. اس میں یہ قطن مطلب نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، یا انہوں نے بہت اچھا کام کر دیا، لیکن وہ اس حد تک ہے کہ جی انہوں نے یہ بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ ان کے بھائی نہیں مان رہے تھے. ان کی جو والدہ ہیں محترمہ شمیم صاحبہ اور ان کی جو بھتیجی ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ گئی ہیں، ان کو نے پہلے ان کو راضی کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنی والدہ سے کہا ہے، پہلے وہ نہیں مانے. اور ابھی تک میاں صاحب جو ہیں وہ مشروط باہر جانے کے حامی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں جانا، میں یہیں پر رہوں گا. ٹھیک ہے، اور موت کا فرشتہ جو ہے وہ یہاں پہ بھی آ سکتا ہے. خالد فاروقی صاحب، کیا جسٹیفیکیشن ہے حکومت کے پاس اس کے علاوہ کہ وہ 7 ارب کا بانڈ دکھا سکے کہ دیکھیں ہم نے پیسے وصول کر کے بھیجا، اس کے علاوہ کوئی لاجک کوئی آپ کو سمجھ آتی؟ لاجک اس کے علاوہ بھی ہیں، اور اس کے پیچھے کئی مقاصد بھی ہوتے ہیں. آپ ایک دھندلا سا منظر اور ایک منظر جو ہے وہ ایسا دکھا رہے ہیں جس میں باقی سارے جو بڑے ایشوز ہیں وہ دب کے رہ گئے ہیں. نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنا، دیکھیے یہ قانون نے اگر اجازت دی ہے، میں تو سب کے لیے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شہری کو کوئی نہ کوئی پھر ایسی رعایت ہونی چاہیے اگر نواز شریف صاحب کو ملتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جب پرائم منسٹر نے خود یہ کہہ دیا کہ ہم ان کو باہر بھیجیں گے، ہم کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے، حکومت کی طرف سے اعلانیہ یہ بات کہی جانے لگی. لیکن آپ دیکھیں نا کہ اب نواز شریف کا یہ معاملہ جو ہے بہت سینسٹیو ہے، بہت حساس ہے. اس کو نہ بھجوانے کا، نواز شریف کو نہ بھجوانے کے نتیجے میں ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک کشیدگی کا ماحول بن رہا ہے. ایک طرف جے یو اے کا دھرنا ہے، ایک طرف نون لیگ کے کارکنوں کو. آج قومی اسمبلی دیکھ لیں کیا ہوا. قومی اسمبلی میں آج ہی نہیں بلکہ آپ پچھلے دنوں کی کیا ہوتا رہا ہے وہاں پہ.
इस सारे माहौल के पीछे क्या मकसद है? एक तो मुझे ये समझ आई बात कि हम बड़ा कश्मीर का मसला सर पे उठा के बैठे हुए थे, हम जो 70 साल से जो बातें कर रहे थे, हमारी 7 दहाइयां गुजर गई, हमसे पहली नस्ल ने, हमारी नस्ल ने, हमारे बाद की नस्ल ये सुन रही है और ये सारा कुछ देख रही है कि हम 24 घंटे कश्मीरियों का जो है उनके गम में आंसू बहाते रहते थे, वो सारे का सारा मामला कहाँ पे गया? मुझे ये यूं लगता है कि बाज़ वक़्त बड़े बड़े मामला जो हैं उनको छुपाने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। अब क्या इसमें कौन कौन इसमें मिला हुआ है, कैसे ये सारा कुछ हो रहा है, ये बड़े अफसोस की बात है। जो जब ये बातें पब्लिक में होनी शुरू हो जाए तो फिर और भी अफसोस की बात है। बाकी जहां तक नवाशी साहब को बाहर भिजवाने का मामला है, देखिए इंसानी हमदर्दी के अगर पहले जज्बात कहीं कम थे या अगर पॉलिटिकल लीडरशिप से पहले बुरा सलूक किया जाता रहा, सियासतदानों ने ही एक दूसरे से बुरा सलूक बेशक किया हो, तो वो बुरी रिवायात को आगे बढ़ाना कोई जरूरी नहीं है। सही। आज इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सोचें कि कल को उनके लिए कोई ऐसा वक्त आ सकता है, खुदा ना करे, जब उनको किसी ऐसी ही मदद की जरूरत पड़ेगी, तो अगर अच्छी रिवायात वो कायम कर सकते हैं तो वो करें। चौधरी शुजात हुसैन ने कल जो परसों भी उनको जो आज जो कहा, नहीं बल्कि कल उनको ये कल भी कहा, आज भी कहा, देखिए अच्छे काम में अच्छे काम में उन्होंने जो पंजाबी की एक मिसाल होती है कि आप मेंगनियां क्यों उसमें डालने वाले लोग जो है उनकी बात क्यों सुन रहे हैं। सही। आज फिर उन्होंने कहा कि आप बहसियत हुक्मरान के, बहसियत प्राइम मिनिस्टर के, बहसियत इंसानियत के, अच्छे इंसान के, आप जो काम है उसमें इंसाफ और अदल से काम ले। तो जब चौधरी शुजात हुसैन जैसा जीरक आदमी इस तरह का मशवरा देता है तो इसका मतलब यह है कि खुद हुकूमती सफों में या हुकूमत के इत्तेहादियों की सफों में ऐसी बातें, ऐसे ख्यालात मौजूद हैं जिसमें यह महसूस किया जा रहा है कि नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। बिल्कुल ठीक। इसमें आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान क्या होगा? नुकसान ये हो जाएगा कि मियां साहब को खुदा न खासा, उनकी जिंदगी मौत तो हर शख्स के अल्लाह के हाथ में है। तो अगर पाकिस्तान में उनके साथ कोई ऐसा मामला होता है जहां उनकी सेहत ज्यादा बिगड़ती है, तो आप इसका जवाब क्या देंगे आवाम को, अपने आवाम को, नून लीग को, अपोजिशन जमातों को? तो मेरे अपने ख्याल के मुताबिक ये नहीं होना चाहिए। अगर ये फैसला कर लिया गया था तो अच्छा, मेरा अपना ये भी ख्याल है कि अगर कोई जमानत अगर उनकी तरफ से मिल जाती है तो जमानतें तो परवेज मुशर्रफ के दौर में बड़ी ली गई थी, इसी सिस्टम ने सारा कुछ वापस किया, क्या कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? तो ये चीजें जो नाकाबले अमल हैं, जो नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से ये रवैया है ये नहीं होना चाहिए। और आज मेरा ख्याल है कि जिस तरह कोर्ट में गए हैं शहबाज शरीफ, हुकूमत एक वक्त पे ये चाहती है कि ये मामला जो है अदालत में चला जाए, अदालत ये फैसला दे ताकि हम फिर वो जो पहले उन पे इल्जाम लगा कि आप एक चिट उठाएंगे, कहेंगे ये देखे जनाब ये 7 अरब 7.5 अरब हमने वापस लिए, तो कल को हुकूमत पे ये बात ना आए और वो बरी जिम्मा हो जाए। बिल्कुल ठीक है। मुमताज भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब सारे ही बीमार हो गए ने, आज जरदारी साहब के बारे में भी ये कहा गया कि उनकी उनको रसाई नहीं दी जा रही उनके जाती मालिज तक। जरदारी साहब की हालत जो है वो भी बहुत ख़राब है, जो लोग उनसे मिल के आए हैं वो भी ये बात बता रहे हैं कि उनकी कोई आइडियल कंडीशन बल्कि बिलो नॉर्मल भी नहीं है। वो इंडिपेंडेंटली शायद पानी का गिलास भी नहीं पी सकते, उनकी बीमारी इतनी शिद्दत अख्तियार कर गई है उनके। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से वो शोर शराबा नज़र नहीं आता, जाहिर है जो PMLN की तरफ से है। योर टेक। देखिए रिजवान साहब, आप जो मामलात हैं ना, वो मियां नवाज शरीफ के मुल्क में रहने या बाहर जाने से और आसफ अली जरदारी के अंडर कस्टडी रहने से या आज़ाद होने से कुछ आगे बढ़ गए हैं। और ये चीज़ें अपनी जगह अहम हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत जो है वो उसके ऊपर क्या होता है, वो कब तक जाते हैं, इलाज मालजा जो है वो उसके रिस्पॉन्स उनकी बॉडी कैसे करती है उसके ऊपर, तो ये तो अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब मामला इन चीज़ों से भी आगे बढ़ गया हुआ है। स्ट्रेचिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, खींचातानी इतनी ज़्यादा हुई है, मेरे ख्याल है अब चीज़ें वापस अपनी जगह पे नहीं आएंगी। ये मेरी ज़ाती राय है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जितनी मुझे समझ बूझ है उसके आप सियासी खींचातानी की बात कर रहे हैं या आप हेल्थ के रिलेटेड खींचातानी की बात कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा बात को कीजिएगा। आप हुकूमती खींचातानी मतलब सियासत में खींचातानी इतनी हो गई? मैं ओवरऑल मुल्क के अंदर जो सियासी इस वक्त निज़ाम मौजूद है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ, जो इस वक्त इररेलेवेंट हो चुका हुआ है,
क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका हुआ है गवर्नमेंट की इस हरकत के बाद, जो कि देखें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जब कोई पोजीशन बयान कर देता है उसके बाद अंडर ओथ वो बयान करता है उसके ऊपर खड़ा रहना जो है वो लाजिम होता है। इमरान खान साहब ने जो अनाउंस किया था उसके ऊपर खड़े नहीं रह सके और बाद में उन्होंने कुछ और चीज़ें की। देखिए सिस्टम के अंदर खिंचातानी की सूरतेहाल का अंदाज़ा आप इस बात से रिजवान राय साहब लगा लें कि आज परवेज़ लाई साहब मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि आपने अपनी क्यादत को मनवा लिया है, आप जो है सबसे बड़े अपोजिशन लीडर के तौर पर सामने आए हैं और आपने अपनी जो रेलिवेंस है वो साबित कर दी है। चौधरी शुजात साहब ये कहते हैं मुसलसल, ये तीसरी स्टेटमेंट है उनकी और बड़ी सोबर लफ्ज़ों में बड़ी हार्श स्टेटमेंट है, बड़ी टू द पॉइंट स्टेटमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर अब बस कर दें। दूसरे लफ्ज़ों में अगर उसको आप तीन लफ्ज़ों में लेकर आएँ तो बस यही बनता है कि वज़ीर आज़म साहब बस कर दें आप, यानी कि नवाज शरीफ साहब के मामले को ख़त्म करें। ये उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर यही सूरत हाल रही तो छः माह बाद कोई वज़ीर आज़म बनने को तैयार नहीं होगा, तो इसका मतलब है वो हुकूमत को नहीं किसी और को एड्रेस कर रहे हैं, क्या ख्याल है? छः माह बाद का तो खैर पता नहीं कि कौन हो, क्या पता उससे पहले ही कोई जो है वो बन जाए। इस बात को छोड़े कि छः माह के बाद देखिए रिजवान साहब मैं जो बात कह रहा हूँ ना उसको उतना ही रखे, आगे उसको एक्सप्लेन ना करवाएं, उसको एक्सप्लेन ना करवाएं, देखिए एक्सप्लेन ना करवाएं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मियां नवाज शरीफ साहब के मुल्क में रहने से या मुल्क के से बाहर जाने से ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, उनके इलाज मुआलजे के जवाब में उनकी सेहत इम्प्रूव करती है नहीं करती है ये चीज़ अपनी जगह इम्पोर्टेंट है और जरदारी साहब अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, लेकिन मामला जो है उससे आगे जो है वो निकल गया है और इरिवर्सिबल स्टेज की तरफ जा रहा है। मेरा ये ख्याल है कि इस तरह मामला जिस तरह चलाए जा रहे हैं नहीं चलते और इसके ऊपर जो है वो हतमी तौर पर देखें ना, एम क्यू एम गवर्नमेंट का हिस्सा है और नवाज शरीफ के मामले के ऊपर उसका क्लियर कट मौकफ है, इसी तरह PMLQ जो है ये गवर्नमेंट का हिस्सा है और उसका नवाज शरीफ के मामले के ऊपर एक क्लियर कट मौकफ है, इसी तरह PTI के अंदर एक बड़ा धड़ा है जिसका बड़ा क्लियर कट मौकफ है और वो अपने पार्टी लीडर यानी कि इमरान खान साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ है और उनका ख्याल ये है कि जाना चाहिए। हत्ता कि शेख रशीद जैसा आदमी जो कि सख्त नाकिद था नवाज शरीफ साहब का, उसका भी यही मौकफ है कि जाने दें। तो इस सारी सिचुएशन को अगर आप देखें ना, अब इस एक पॉइंट को इमरान खान साहब इतना ऊपर ले गए हुए हैं कि इससे रिवर्सल के अगर होता है विदाउट कोर्ट रिवर्सल होता है तो इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी गवर्नमेंट की, इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है और मुझे यकीन है कि इसके बाद नया रास्ता निकलेगा और वो नया रास्ता अदम एतमाद की सूरत में निकलता है किसी और सूरत में निकलता है, तो मतलब ये डेवलपमेंट्स विद इन वीक जो है जाके क्लियर होंगी या 15 डेज के अंदर। चलें हम इंशाल्लाह आपसे पूछ के इसी प्रोग्राम में ही बताएंगे कि वो क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मियां सैफुर्रहमान साहब, भट्टी साहब ने फरमाया कि सिस्टम जो है हुकूमत जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, और क्रेडिबिलिटी कैसे हो जी, आपका फाइनेंस मिनिस्टर जिसे मालियात के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए वो दिन दिहाड़े सारी बात से 17 रुपए किलो टमाटर ले ले और पांच और जो फाइनेंस मिनिस्टर सॉरी इंफॉर्मेशन के एडवाइजर जो है जो हुकूमत की तर्जमान है जिन्होंने हुकूमत का मुंह बना वो दावा भी कर रही है कि मैं काश्तकार घराने से भी ताल्लुक रख, ये भी वो कह रही ठीक है, और वो जो है वो 5 रुपए किलो टमाटर की बात कर रहे हैं। KPK में जो कंसल्टेंट है बच्चों को बचाने के लिए सेक्स अब्यूज के खिलाफ, उसके मोबाइल से खुद 30 से ज्यादा बच्चों के वीडियोस जो हैं वो मिल रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल से हमें शिकायत आती है कि ये आपका बंदा ये सरगर्मियां कर रहा है ब्लैक वेब के ऊपर, इसको पकड़े, हम फिर जाके उसको पकड़ते हैं और वो 3.5 लाख रुपया सरकार से तनख्वाह भी ले रहा है और साथ में वो ये भी करना चाह रहा है। हुकूमत की क्रेडिबिलिटी तो गई, और जो कहा जाता है कि मुबैना तौर पे जो उसका रिकमेंडी है जो सिफारशी है वो आज ख्वाजा आसफ को कौमी असम्बली में खड़ा होकर कह रहा होता है कि आंखें निकाल के मेरे तो बड़ा बंदा ही कोई नहीं रहा PTI दे। देखें क्रेडिबिलिटी का इशू तो बाद में आता है, मुझे मुमताज़ भट्टी की इस बात को
बिल्कुल 100% मैं एंडोर्स करता हूँ कि डिसीजन मेकिंग कहीं पे और हो रही है। ये जो यू टर्न वाला मसला है, देखिए मशावरत के साथ या अगर कोई मंझा हुआ कोई गवर्नेंस का मॉडल सामने रख के अगर आपने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स या एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर कोई फैसले किए हों तो फिर यू टर्न इतने तेजी से नहीं होते, ना फिर आप इतनी अनस्टेबल डिसीजन करते हैं। ये कहीं बाज़ औक़ात ऐसा डिसीजन मेकिंग का चलें इसमें हम बजाय कोई इल्ज़ाम तराची करें फिर वो नादीदा दीदा कुव्वतों का और नेटवर्किंग और नेक्सस इसकी बहस की बजाय हम ये कह सकते हैं कि इसमें गुमान ये होता है। अब लोग कहना शुरू हो गए हैं, हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट भी और कॉमन मैन भी आप देखें किसी महफिल में जाएं कि जी कुछ ऐसे दिखाई देता है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो कोई इंडिपेंडेंट नहीं है बिल्कुल, यानी कि कुछ अगर अपने तौर पर कोई फैसला करते भी हैं या सोच कुछ होती है आगे जाके कुछ और कहीं से कोई अगर कोई पैगाम रसानी हो रही होती है तो उन पैगाम के नीचे दब के कुछ फैसले डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये पासिंग द बग टू अदर वाला जो सिलसिला है ये मेरा ख्याल है कि इसमें एक अच्छा इमेज ना मुल्क के अंदर कायम हो रहा है कि मुल्क के अंदर भी साख मजरू हो रही है हुकूमत की और निज़ाम हुकूमत की, लोगों का एतमाद ख़त्म हो रहा है कि अपना जो इंतखाबी ढांचा है कि इसके ज़रिए हम जो मुंतखब करके नुमाइंदों को लाते हैं वो अहलियत नहीं रखते। वो 20-22 साल अगर ये एक पार्टी इतना लंबा स्टार्ट लेके बैठी रही और तनकीद करती रही इसके दौरान को क्या मुतबादल प्लान को ढांचा को शैडो गवर्नमेंट का काम किया, वो रबते भी करते हैं दुनिया में ये लोगों से, इनको सुफरा मिलते हैं हमारे पास IMF वाले भी इनको मिलते हैं। हमारे पास एक चाइना का स्टीव जॉब था ना जी, 6 महीने में मशीन उठा के खुद भी उल्टा हो गया। मैं आने लगा देखें आप वही मैं कह रहा हूँ, असद उमर साहब अचानक आके कहते हैं कि जी मैं आया मैंने वज़ारत खजाना की अलमारी खोली तो अंदर से वो खाली थी। ये खाली का तो आपको पहले पता होता है, आप देखें रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स जब उनकी सीटें आपस में म्यूजिकल चेयर्स की बारी उनकी आती है अपनी अपनी, तो उस अपनी बारी के लिए अगर आज का रिपब्लिकन है तो डेमोक्रेट्स इस वक्त पूरी शैडो गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, उनका फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका पूरा ढांचा है, इसको वॉच कर रहे हैं, इसको बगैरा स्पॉइल सिस्टम कहते हैं अमेरिका का, इसमें पूरा ढांचा है। मिसाल के तौर पे आप डेमोक्रेट्स आते हैं अगर अगले 2020 के इलेक्शन में तो पूरी की पूरी तैयारी होगी, 1 घंटे के अंदर निजामे हुकूमत शुरू हो जाएगा, 30,000 बंदा इधर से उधर हो जाएगा। उन बंदों के नाम है जी, यहाँ रिजवान रजी ने बैठना है, यहाँ अरसलान भट्टी ने बैठना है, यहाँ खालिद फरूकी ने निचली सतह तक जैसे ग्रेड भावना जी कितने मुमताज भट्टी साहब तो हमारे सर सिर मिथे देने देखिए ये सारी साहब यहाँ पे एक बात का भट्टी साहब एक बात का बड़ा अफसोस हुआ कि अल्लाह की शान है ना कि आप अदालत से बड़ी अदालत बन गए। वो बात मेरे भाई ने अरसलान ने कही है कि 8 हफ्ते को स्क्वीज करके आपने 4 हफ्ते कर दिया, यानी आपने अदालत का भी टाइम फ्रेम नीचे कर दिया। जैसे एक जमानत 8 हफ्ते की है आप हुक्म चला रहे हैं कि जी वो 8 हफ्ते की छोड़े हम 4 हफ्ते की दे रहे हैं आपको। अच्छा फिर इसमें उन्होंने एक अदालत का बिहेवियर अदालत जैसा अख्तियार किया कंडक्ट के जी हाँ उन्होंने भी फैसला महफूज किया पहले ज़ैली कमेटी ने। तो ये चीजें आप क्या मतलब सिग्नल्स दे रहे हैं कौम में के अंदर ये है अथॉरिटी शो करना जी मैं वही कह रहा हूँ अथॉरिटी आप अदारों के साथ शो नहीं करते खासतौर पे अदलिया जैसे जी मैं ये समझता हूँ फौजी साहब अब एक बात है कि देखिए सारी दुनिया को ये बात नून है, इसमें मैं कोई नून लीग का कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ कि मियां नवाज शरीफ अफोर्ड ही नहीं कर सकता, अल्लाह उनको जिंदगी दे कि बाहर जाके वापस ना आए, पहले तो चलो अदालत की जो जमानत वो उनको भी मजबूर करेगी, दूसरा उनको अपनी सियासी मौत मर जाएंगे वो बिल्कुल अगर बाहर जाके वो बैठ जाते हैं। वो ठीक है माजी में अगर 10 साल के लिए चले गए तो मैं उससे उन्होंने सबक भी सीखा है, उन्होंने बड़ा क्रेडिबिलिटी लूज की थी अपनी, आप नहीं वो चाहेंगे इस तरह की बात चले। तो मेरा ख्याल इसके बाद फिर ये लिया तो लाल पासिंग द बग टू अदर और डिसीजन कहीं और हो रहे। कुछ कहना चाह रहे थे मुमताज भट्टी साहब। मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाह रहा था समराइज करके, मियां नवाज शरीफ साहब के इस मामले से हटके और जरदारी साहब के, देखिए मोस्ट ऑफ द करेक्टर्स ऑफ दिस प्ले आर नेक्ट एट द स्क्रीन और बिल्कुल जिसे आप कहते हैं अल्फाल हैं और उनके पीछे जो थे स्ट्रिंग्स हलाने वाले, और ये मैं बैरून मुल्क से बात कर रहा हूँ, अब उन्होंने उनको पुशअप किया है कि अपने रोल के अंदर जो है वो आ जाएं और ओपन होकर आ जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये प्ले जो है वो ज़्यादा देर स्क्रीन के ऊपर मज़ीद चल सकता है, इसी की बुनियाद के ऊपर मैंने बात की है सारी जी। बहुत इम्पॉर्टेंट बात की है और मेरा ख्याल है कि काफ़ी
है वो ब्रेक पे जा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि हम ये मौजू कंटिन्यू रखें ताकि इसके ऊपर थोड़ा सा फ्यूचरिस्ट थॉट भी ले लें चारों पार्टिसिपेंट से मुख्तसर, लेकिन प्रोग्राम में फिलहाल वक्त। वेलकम बैक, कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। और बात हो रही थी कि ये मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने क्या किया, लेकिन मुझे लगा कि ये बड़ा मौजू है जो इस वक्त हर बंदे को काट रहा है, चुभ रहा है। और जो मैंने इंट्रो के अंदर भी काफ़ी लंबी डिटेल में उसके ऊपर बात की कि इस वक्त ऐसी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं जिनका डॉलर से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत सारी चीज़ों की कीमतें तो इस वजह से बढ़ी ना मियां सैफुर रहमान साहब कि जी वो उनका रॉ मटेरियल इम्पोर्ट होता है या वो चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं, तो इसलिए उनके लिए ज़रूरी था कि वो ऑटोमेटिकली बढ़ जानी थी। हुकूमत ने डॉलर की कीमत 115 से उठा के 165 तक पहुंचाई और उसे गिरा के अब 155 तक लेके आई है। तो देखें 50% तो फ़र्क पड़ना था, ओके, हालांकि 50% नहीं है, तकरीबन 30% फ़र्क पड़ा है, लेकिन चलें हम 50% का मार्जिन दे देते हैं। लेकिन जो आइटम पाकिस्तान में बनते हैं, और दूसरी बात यह है कि देखिए कुछ कुछ मौसमी सब्जियां होती हैं, कुछ गैर मौसमी होती हैं, गैर मौसमी महंगी होती हैं, लेकिन मौसमी सब्जियां तो मिलनी चाहिए ना भैया, वो तो सस्ते नॉर्मल प्राइस पे मिलनी चाहिए, वो भी डबल प्लस पे चली गई है। यानी पहले अगर वो 50 की उसकी एवरेज प्राइस थी, वो 110 और 120 पे चली गई। व्हाट इज द रीजन? नहीं देखिए, वैसे तो मईशत का जो अच्छे असूल है मईशत के फरोग के लिए, वो तो लेसर गवर्नमेंट पे जोर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लेसर गवर्नमेंट के बारे में मैंने एक कॉलम ही लिखा था कि हमारे मुआशरे का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, फंक्शनिंग ऐसी है हमारी मईशत की कि लेसर गवर्नमेंट जो है वो एक कर्ज बन जाती है, एक बल्कि मुसीबत बन जाती है। क्योंकि फिर हमारे यहाँ क्या होता है, होर्डिंग होती है, जखीरा अंदोजी, ब्लैक मार्केटिंग, आप देखें कि प्राइसिस जो है वो मसनूई तौर पर कंट्रोल, मसनूई किल्लत, ये सब चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे हुकूमत इस जिम्मेदारी से बरी जिम्मा नहीं हो सकती कि अवाम को उन्होंने एक रियासत का सबसे अहम सतून होने के नाते अवाम को डिलीवर करना है, उन्होंने ये सारे सवाल एड्रेस उन्होंने करने हैं। अब वज़ीर आज़म अगर कह रहे हैं कोई मैकेनिज्म बनाई जाए जिसमें ये तलब और रसद को देखा जाए, जिसमें सिर्फ गिरफ्तारियां ना रखी जाएं, कुछ आगे भी बढ़ा जाए, ये कुछ गिरफ्तारियों से भी खौफजदा हो गए हैं कि जब हम किसी को FBR की तरह गिरफ्तारियों की बात करते हैं तो लोग आगे हड़तालें करते हैं। और ये देखिए मैं यही कह रहा हूँ, अगर आपको याद हो तो ये जो हुकूमत ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाने का फैसला किया था टैक्स के, हाँ जी, और FBR को पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी बनाने का फैसला किया था, तो FBR के ऑफिसर्स ने N ब्लॉक वार्निंग दी थी कि अगले 48 घंटे में ये वापस लो जी, वरना हम तुम्हारी ऐसी तैसी फेर देंगे। और मजे की बात, हुकूमत ने वापस ले ली। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए मैं स्टेबल फैसले नहीं हो रहे, देखिए स्टेबल मैं आपके कई प्रोग्राम में बकायदा अखबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो अपनी प्रेस जी जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, इसमें बड़ी जग हंसाई हो रही है। देखिए रियासत का जो निज़ाम है उसके अगर ऊपर इतमाद लोगों का उठ जाए, ब्यूरोक्रेसी का उठ जाए, इदारों का उठ जाए, सार्फीन का उठ जाए, तो फिर इसी तरह की भगदड़ मचती है जो आपके मुआशरे में पड़ी है। आपको कहीं प्राइसेस जो हैं वो बेहंगम चल रही हैं, लोग भी बेकाबू हैं, जिसका दिल किया वो अपना मुतालबात भी पेश कर रहा है, मसाइल कर देखे ना, वो ये ऐसे ही है जैसे एक जख्म आपका ओपन हो जाए तो फिर ऊपर जरासीम हमले कर देते हैं। जो मुआशरे का सोशो इकोनॉमिक आपका जो एक ढांचा है वो बिल्कुल आपका बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ओपन एक्सपोज हो गया है, उसको आपने मरहम लगाने का तो आपके पास तदबीर ही नहीं है। यानी आप ये समझते नहीं है कि रियासत की क्या जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि खड़े होकर किसी मंबर पर आप ऐलान कर दें कि मैं पारसा हूँ और मैं बहुत बड़ा एक निज़ाम मॉडल लेके आया हूँ जो दुनिया का आइडियल निज़ाम है और आप सब लोग जो हैं वो बिल्कुल बद हैं और आपके ऊपर मुझे कोई एतमाद नहीं है। आपने सबको साथ लेके चलना है। जब वजीर आजम बनते हैं या वो वजीर या काबीना, वो सारे मुल्क की होती है, उसमें आपने लोगों के साथ जब एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जब लोगों के मशावरत से चलेंगे लोगों तक। अब आप देखें ना यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है कि 3-4 टीयर्स में हुकूमत चल रही है। वजीर आजम अकेले अपना टीयर चला रहे हैं, काबीना एक अलहदा टीयर है, वो पता नहीं कहाँ किसकी बात सुन रही है किसकी नहीं सुन रही, पैगाम रसानी अलहदा हो रही है जो बिल्कुल नहीं आज तक ख़त्म हुई। मैं उसको ना डील कहूँगा, ना ढील कहूँगा, ना डिक्टेशन कहूँगा, लेकिन पैगाम रसानी दुनिया के हर मुल्क में होती है, हमारे यहाँ ज़्यादा होती है,
कहीं ना कहीं से कोई पैगाम आ जाता है उसका मुताबिक ठीक हो गए। तो फिर आपने तो कोई मॉडल ही नहीं आपके पास है, आपके पास गवर्नेंस का या इकोनॉमी का, सही। तो किस तरीके से आप डील करेंगे जी? इस तरीके से डील करेंगे बट अपना मैं चाह रहा हूँ दो दो दफ़ा तमाम असहाब से राय लूँ, इसलिए थोड़ा सा हमारी कीजिएगा। नॉर्मली फारूकी साहब इस दिन इन दिनों के अंदर इंडिया से जो हमारा शॉर्टफॉल होता था वो इम्पोर्ट हो जाता था। इंडिया के साथ तो हमने तजारत बंद कर रखी है, ठीक है, कश्मीर के साथ यकजहती के इजहार के लिए, अगरचे उसमें से कुछ हमने इजाज़त दे भी दी है कि वो लाइफ सेविंग ड्रग का रॉ मटीरियल आ सकता है ताकि वो है इस तरह की इजाज़त दी है दरमियान में से, लेकिन ओवरऑल हमारी उधर से चल रही है। हुकूमत जो है ये तजारत बहाल करना चाहती है किसी न किसी बहाने, मेरे पास इंफॉर्मेशन है क्योंकि इस दफ़ा हमारी 24% कॉटन भी कम पैदा हुई है, पैदावार कम हुई भारत के, हमें 55 लाख बेल की ज़रूरत है और भारत के पास 20 लाख बेल उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो बाकी हम सेंट्रल एशिया से मंगवा लेंगे, को काम हम चलाना तो है ना जी टेक्सटाइल का। तो हुकूमत की ख्वाहिश है कि वो खोले, तो ये एक आर्ट मैं एक सासी थ्योरी पेश कर रहा हूँ जो मैं आज सुन के आया हूँ। तो हुकूमत ये आर्टिफिशियली ये शोरों बका पैदा कर रही है कि लोग हाथ जोड़ के कहें कि जी आप इंडिया के साथ खोल के और वहाँ से मंगवा लें, ये मार्केट में बकायदा एक्टिवली डिस्कस हो रही है ये थ्योरी। देखिए जब मार्केट में कोई इस तरह की बातें होती हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर कोई कुछ इतनी बात ना सही इतनी खुल के बात ना सही मुकम्मल ना सही लेकिन कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर कुछ ना कुछ होती है। और इसकी हम कई दफ़ा देख चुके हैं कि हुकूमतों के पास एक वक्त पे बड़ी इमोशनल वो फैसले करते हैं, बाज़ुकात करने भी पड़ते हैं कि जिस तरह की कश्मीर की सूरत हाल थी आपने भारत के बारे में फैसला कर लिया, लेकिन मसला तो यह है कि आपने जब भारत के साथ चीज़ों की इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाने का या उनका ट्रेड को जो आपका जो चल रहा था रूटीन का बिजनेस जो था उसको बंद करने का फैसला किया तो आपके पास मुतबादल क्या था? इसकी जिम्मेदारी भी तो हुकूमत पे आती है, हुकूमत पे आती है। बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के जो बाकी फेलियर हैं तो अगर मुआशी हैं, अगर उनके जो फॉरेन पॉलिसी के इशू पे हैं, अगर इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही जो आजकल बड़ा ढंडोरा पीटा जा रहा है कि बड़ी कामयाब हमारी मईशत हो रही है, मुस्तहकम हो रही है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन जो सबसे बड़ा एक फेलियर है इमरान खान और उनकी हुकूमत के तमाम लोग मेरे ख्याल में अवाम से कट कर रह गए हैं, बिल्कुल किसी की पब्लिक से कोई रब्ता किसी का नहीं है। नहीं, वो इलेक्टेड लोग हैं, वो कैसे अवाम से कट सकते हैं? देखिए इलेक्टेड लोग अगर कट जाएं तो उनका नॉन इलेक्टेड लोगों से बुरा हाल होता है जी, बिल्कुल उनके पास तो कोई हशर हो जाता है, देखिए ना उनके पास कोई एक सिस्टम होता है वो उसके थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर अवाम का गुस्सा उनपे उतना नहीं आता, नॉन इलेक्टेड लोगों पे गुस्सा उनको कम आता है, लोग भी सोचते हैं कि यार ये पहले कब हमसे मिला था। आज मुझे ये बताएं कि आपका कौन सा वजीर आला है जो पब्लिक पे जाके पब्लिक के मसाइल को मालूम करता है, आपका कौन सा मिनिस्टर है जिसको आपने हमारा बुजदार जो है वो जाके वो बारिश में गाड़ी लेके निकल जाता है, वो बेजुबान है, उन्हें कुछ ना दो, बेजुबान। देखिए ये जो बेजुबान ये जो मामला बेजुबानों पे तनकीद नहीं, उन्होंने बेजुबान को कुछ नहीं कहना, ये जो चीजें है ना कि इसमें देखिए इसमें हम ये कहें अगर के किसी सीएम को इस बात के लिए रियायत दे दी जाए कि वो अगर नहीं पब्लिक में गए, मैंने कभी नहीं सुना ऐसा, मैंने कभी ऐसा देखा भी नहीं है कि हमारे सीएम जो हैं वो पब्लिक में जाके तो उन्होंने कहीं ये मालूम करने की कोशिश की हो कि किस तरह के मसाइल हैं या वो अब तक सीखने के मराहल में। सो इस सारी सूरत हाल ने हुकूमत को बड़ी परेशानी में डाल रखा है। गवर्नेंस जो जिसको हम कहते हैं, गवर्नेंस महज ये नहीं है कि आप अपने दफातर संभाल लें, आप अपने के लेने के लेने साहब की वीडियो अगर आपने वो देखी हो जिसमें वो अपने हवास में नहीं है, मतलब ये है कि ये मनाजर के बाद फिर वो पब्लिक में नहीं गए कभी। हाँ तो ये मनाजर जब नजर आते हैं तो उसके बाद फिर अवाम क्या सोचेंगे? आप यहाँ का जितना भी जो हम समझ रहे हैं जिसको हुकूमत का सिस्टम को कंट्रोल करना चाहती है या बेहतर बनाना चाहती है वो है मंडी से कंज्यूमर तक, आप कोई सर्विस भी शुरू करना चाहते हैं, आप कोई ऐप भी मुतारफ करवा रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो है ये बड़े कागजी से इकदाम हैं। पब्लिक को चाहिए रिजल्ट, और रिजल्ट में अगर आप 10 दिन किसी को आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे और आवाम को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। अभी जिस चीज के बारे में एक और खदशा जाहिर किया जा रहा है वो है आटे की कीमत के बारे में, कहा जा रहा है कि आटे का बहरान पैदा होने वाला जी है, बढ़ने जा रही है। अब इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं? आज आपको पता है कि उन्होंने जो चक्की मालकान है उन्होंने भी इस बारे में हड़ताल का ऐलान कर दिया कि हम इस कीमत पे खरीद के सस्ता आटा कैसे बेचेंगे।
तो इमरान खान साहब को मेरे अपने ख्याल के मुताबिक सबसे पहले इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है, उनको ये जरूरत की जो बुनियादी अशिया है, बुनियादी जरूरत की जो अशिया है, इनको अगर ये इंपोर्ट कहीं से करनी थी किसी हमसाया मुल्क से, जैसे ईरान से आपने टमाटर के लिए कर लिया, अफगानिस्तान से कुछ कर लिया, तो ये पहले से इकदाम कर लेने चाहिए। बिल्कुल सही। ये किसको नहीं पता होता कि ये इस तरह के बहरान आ सकते हैं, और फिर आपका कोई भी कंट्रोल जो है, देखिए ना, ये इतवार बाजार लगते हैं, ये मार्केट्स हमारी हैं, इसमें प्राइसेस जिस तरह से इंक्रीज होती हैं, जब डॉलर की कीमत ज्यादा थी तो जो प्राइसेस तब मुकर्रर हुई, उसके बाद जब कम कीमत हुई डॉलर की, वहीं ठहर गई, तो प्राइसेस वहीं पे ठहर गई, कोई बंदा बाहर नहीं निकलता। सो ये जो सूरत हाल है, ये बैड गवर्नेंस के खाते में इसको डाला जाएगा, इसमें इसको कोई रियायत नहीं दी जा सकती। पर्टिकुलरली टमाटर के हवाले से एक वाकया मैं प्रोग्राम से पहले अरसलान भट्टी साहब के साथ शेयर कर रहा था, तो उन्होंने कहा आप प्रोग्राम में भी सुनाइएगा, 1989 में तुर्की में टमाटर का बहरान आ गया जी, और पूरे तुर्की के अंदर टमाटर जो था वो हजारों लीरा पर केजी के ऊपर चला गया। तो उसके उनकी गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया, उस कानून के तहत तमाम किसानों पे लाजमी करार दिया गया कि वो अपनी जमीन का एक परसेंट जो है उसके ऊपर टमाटर लगाएंगे। और आपको पता है कि 90s की दहाई से लेके अब तक तुर्की जो है पूरे यूरोपियन यूनियन का टमाटर पेस्ट और टमाटो कैचअप का सबसे बड़ा सप्लायर है, उसकी मोनोपोली है, वो प्राइस डिक्टेट करता है कि जनाब ये आपको टमाटर इतने में मिलेंगे, ये होगा वो होगा, यानी एक डायरेक्शन बदलने से वो हो गया। भट्टी साहब अभी ये बात कर रहे थे कि गंदम का बहरान आने वाला है, मैं आपको याद दिलाता चलूँ, गुज़िश्ता साल हमारा सरकारी गंदम की प्रोक्योरमेंट का टारगेट था 62 लाख टन और हमने खरीदा था 48 लाख टन, यानी हमने डिफॉल्ट किया था, हम पूरा खरीद नहीं पाए थे, तकरीबन आप समझ लें कि 35-34% लेस हमारी प्रोक्योरमेंट थी, और फिर जो हमारे पास प्रीवियस कैरी ओवर था वो हमने एक्सपोर्ट कर दिया था सस्ते दामों, सब्सिडी $160-$150 पर मीट्रिक टन हुकूमत ने सब्सिडी दी थी कि इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए, हमारे पास गंदम रखने की जगह नहीं है। तो अब गंदम का बुरान तो होने लगा है, लेकिन वो तो आएगा ना बादशाह अगले साल 2020 के अंदर, लेकिन ये जो सर पे खड़ा हुआ है, आप क्या समझते हैं कि क्या ये मैनेजमेंट का मसला है या सप्लाई साइड को कंट्रोल करने से इशू हल हो सकता है लम्हा मौजूद में भी? मुमताज भट्टी साहब, देखिए रिजवान साहब, पहली बात यह है, जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं, गवर्नेंस है क्या? एग्जेक्टिव है, आपके मिनिस्टर्स हैं, उसके नीचे आपकी ब्यूरोक्रेसी है, सेक्रेटरीज हैं, और नीचे पूरी हायरार्की है, सेक्शन अफसर और उससे नीचे तक, और फिर सूबों के अंदर इंतज़ामिया आपके डिस्ट्रिक्ट चला रही होती है, एडमिनिस्ट्रेशन जिसे आप कहते हैं। देखें, जब आप ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो करप्ट है, ब्यूरोक्रेसी माफिया बन गई है, मीडिया करप्ट है, चोर है, अपोजिशन जो है वो उससे आपने बात नहीं करनी, वो भी सारे के सारे जो है वो दो नंबर हैं, तो फिर मुल्क कैसे चलाना है? आपने कोई तरीकाकार है मुल्क को चलाने का? अब कब्रिस्तान जैसा सकूत तो आपको कब्रिस्तान में मिलेगा ना, वो मुल्क के अंदर तो नहीं मिल सकता। कोई आपके ऊपर तनकीद करेगा, कोई दो हरफ आपके हक में बोलेगा, कोई आपकी पॉलिसी को जो है वो उसे उम्मीद लगा लेगा, कोई उसे मायूसकुन करार देगा, ये ऐसे ही चलता है। अगर आपने पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम चलाना है तो ये हमेशा ऐसे चलता है। मुशरफ साहब ने चलाया, जब 2002 की असम्बली बनी, 17 लोग थे PMLN के, और वो 17 जो है ना आस्तीने चढ़ा के स्पीकर के आगे खड़े होके, तो वो एजेंडे फाड़ फाड़ के उसके मुंह के ऊपर चौधरी अमीर हुसैन साहब के फेंकते थे। क्या हुआ? चलते रहा। तो इसमें आपको स्पेस रखनी पड़ती है, और अगर आपने स्पेस ना रखनी हो तो फिर डिक्टोरियल सिस्टम ले आएँ, फिर आप कहें जी कि वो भुट्टो साहब वाला फार्मूला कर लें या कोई और कर लें। अब आप एक ऐसे पॉइंट के ऊपर पहुँच चुके हैं पंजाब के अंदर, जैसे अथल पथल ब्यूरोक्रेसी की गई जिस तरह KPK के अंदर की गई ब्यूरोक्रेसी, मीन मैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बात कर रहा हूँ, और पंजाब के लेवल के ऊपर सेक्रेटरीज की बात कर रहा हूँ, फिर फेडरल के अंदर जो आपने बात की, फिर आपने ब्यूरोक्रेट्स की नैब के साथ मुलाकातें चेयरमैन के साथ करवाई, खुद की उनको जो है वो एतमाद दिलवाया, ताजरों के साथ आर्मी चीफ को आपने डाला कि जी आप इनको इंश्योर करें, हमारी तरफ से गारंटीज दें। ये सारी प्रैक्टिस करने के बाद अल्टीमेटली आज आप कहाँ पे खड़े हुए हैं? आपने फिर एक आध स्टेटमेंट दे के जितने CBMs हुए होते हैं वो सारे के सारे जमीन बोझ जो है वो कर देने होते हैं।
तो इस तरह देखें गवर्नेंस कैसे, रिजवान साहब अगर आपको एक मिनिस्ट्री फूड सिक्योरिटी की ब्रीफिंग देने जाती है और वो बड़ी मेहनत के साथ 3 महीने लगा के आप प्रपोजल्स और ब्रीफिंग तैयार करते हैं और आप 2.5 मिनट सुनते हैं और उसके बाद उन्हें कहते हैं नहीं आप ये बंद करें और मुझसे सुने कि ज़रात कैसे ठीक होगी और पॉलिसी क्या होगी ज़रूरी, और फिर आप 10 मिनट बाद या 8 मिनट बाद अपनी इधर उधर की बातें करने के बाद आप ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब को अगली मीटिंग में बुला लें, वो आपको बताएंगे ज़रात कैसे ठीक होगी। ये ऐसे अच्छा, कैसे अच्छा, चलता अच्छा, है रिजवान साहब, ये नहीं चल सकता इस तरह से। मैंने कहा शायद आप एक अंडे के अंदर आके फंस गए हुए, आप हमें वो अंडे एक बच्चे कट्टे वाली बातें बताने लगे हैं, तो आप जहांगीर तरीन की तरफ छोड़ के आगे चले गए। चले ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए अब आपके ऊपर जो है ना बम्बार्डमेंट है, आप अंडर प्रेशर आ चुके हैं हर तरफ से। एक तरफ आप पायल अप हो गए हैं, पॉलिटिकल जो कन्फ्रंटेशन है, देखिए जब भी आपने गवर्नमेंट अगर कोई चली है ना, मुशरफ साहब ने अगर 5 साल उसको जो उस वक्त की जमहूरियत थी जैसी तैसी थी उसको अगर चलाया ना, तो उसने भी पहले कन्फ्रंटेशन खत्म की, कन्फ्रंटेशन खत्म की। जब तक आप उलझे देखें, जब आप गवर्नमेंट हैं, देखें अपोजिशन को तो काम ये है कन्फ्रंटेशन, अगर आप गवर्नमेंट हैं और आप मुसलसल कन्फ्रंटेशन के अंदर रहना चाहते हैं और आपने प्लान किया हुआ है, तो ना मुल्क आगे चल सकता है ना आपकी हुकूमत आगे चल सकती है। ये प्रेसिडेंट है, एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, और जहाँ पे भी लोगों ने आगे चलना होता है कन्फ्रंटेशन को महदूद कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, और बच बचा के डिलीवरी और गवर्नेंस के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट किया जाता होता है। 2-3 साल बाद, 4 साल बाद जब इलेक्शन ईयर शुरू होता है, तो फिर आप दोबारा उस टर्मोइल की तरफ आते हैं, जबकि हमने ये देखा कि पॉलिटिकल टर्मोइल ख़त्म होने के बाद इलेक्शन के बाद मजीद जो है वो बड़ा है, उसके जो आपका सियासी दर्जा रहता है बजाय इसके कि वो कूल डाउन होता और चीज़ें अपनी जगह पे आती, ये तो बढ़ता चला गया और अल्टीमेटली आज ये स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ कि आपका मुल्क जो है वो जैम है इस वक्त मुकम्मल, और इशाराएँ बंद हैं, अपोजिशन आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई मीडिएट करने के लिए भी तैयार नहीं है इस वक्त, और ये मैं श्योरिटी से आपको बता रहा हूँ। तो फिर इसके अगला फासला जो है वो आपने कैसे तय करना है वो आप बताएं। भट्टी साहब, ये अरसलान भट्टी साहब, ये मुमताज़ भट्टी साहब ने तो बड़ा खौफनाक नक्शा खींच दिया कि वो है। अब मुझे लगता है, पता नहीं क्यों मुझे क्यों लगता है, मैं आप सब साहब की तवज्जो चाह रहा हूँ इसके ऊपर, जो इस निज़ाम को लाने वाले हैं ना, वो भी अभी तक 92 के वर्ल्ड कप की झलकियाँ ही देख रहे हैं। वैसे मुझे लगता है, महसूस होता है जिस तरह चल रहा है निज़ाम। योर टेक साहब, कभी कभी गलती हो जाती है, बंदा जब घुड़दौड़ देखता है ना, रेस होती है, डर्बी होती है, उसमें कई दफा बंदा पैसे लगा देता है किसी गलत घोड़े पे बैठ कर जाता है। हो जाता है, इंसान है हम, फरिश्ते तो हैं नहीं, गलतियां हमारे से होती हैं। मैं सिर्फ जो आप प्राइस कंट्रोल वाली बात ही बड़ी स्किल बातें कर दी थी, वो पार्टिसिपेंट्स ने बड़ा मुश्किल से वो सियासी सारा हो गया, मैं सिर्फ आपको आम बंदे की जुबान में समझा देता हूँ कि जी प्राइसिंग कैसे कंट्रोल है। एक प्राइसिंग मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट, वो थे डीसी साहब के अंडर। उनका काम ही होता था कि डिमांड सप्लाई और सारा कुछ करने के बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ, फूड डिपार्टमेंट के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उसकी सारी चीज़ें गेज करके डिमांड दे देनी अगले दिन के लिए, और उतनी चीज़ें वो शहर में दूसरे शहरों से पहुँच जाती थी ताकि शॉर्टेज ना हो। हमें बड़ा मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ जी, कि रोज़ों में रमज़ान जब आता है तो उसमें आपको पता है जी कि आलू समोसे बिकने हैं, ये चीज़ें बननी हैं, इन दिनों में इसकी शॉर्टेज है। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे आड़ती हैं, इसमें मैं नाम नहीं लेता कहीं सुबह उनके ऊपर रेड ना हो जाए, उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले कहा जी कि मैं टमाटरों पे जो है ना जी महंगे होने वाले। नहीं, मैंने कहा जी वो क्यों? कहते जी हमारे पैसे पूरे होने हैं हमारे, अब हमने टमाटर शॉर्ट करने हैं, 4 ट्रॉलियाँ आएंगी या 4 ट्रक आएंगे, हम उसमें से 2 देंगे, 2 हम रोक लेंगे, और जब महंगे हो जाएंगे फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करके निकालेंगे पीछे से, यानी फार्म से हमने सस्ते ही लेने हैं। वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का एक सिंपल सा निज़ाम है, वो इनसे नहीं चला या इन्होंने नहीं चलाना चाह, ये लग गया कि जी हम मार्केटिंग बेहतर करेंगे, हम ये करेंगे। लोकल पार्टीज का निज़ाम आपके पास मौजूद था, वो आपने ख़त्म कर दिया, उसको छोड़ा ही कुछ नहीं आपने, आपने उसकी जगह पर एडमिनिस्ट्रेटर्स लगा दिए। उसके साथ साथ माजी में कम अज़ कम ये खौफ था कि जी वज़ीर आला कहीं पहुँच ना जाए, खौफ तो था ना, चले वो नहीं पहुंचता था, वो नहीं प्राइस कंट्रोल होती क्योंकि ये मुमकिन नहीं होता। और आजकल ये है कि वजीर आला पहुंच के बखाए अब ये था कि वो फिर बोल के बखाए, हाँ कोई आ ना जाए, वो भी जरूरी है था कि कम से कम ये जरूर था उसमें, उस निजाम में, पिछले निजाम में, कि वो नहीं पहुंचते थे। आप महंगाई को देखें, ऐसा फिनोमेना है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको आप कम कर सकते हैं,
कि ये फैले ना ज्यादा, मतलब हर दफा 100 रुपए से ऊपर हर सब्जी ना जाए, कुछ सब्जियां नीचे रह जाए कुछ ऊपर चले जाए। माजी में आपको याद होगा जी, हमारे बड़े बूढ़े जो थे, मेरे दादा थे अल्लाह बख्शे, वो कहते थे कि जी आपने जो शलजम है ना, ये हम जानवरों के लिए देते हैं ताकि वो दूध अच्छा दें, तो हम शलजम जो है 125 रुपए किलो खा रहे हैं। जी जी जी, आप जानवर हैं या इंसान है मुझे नहीं पता, 140 चले मैं मान लेता हूँ आपकी बात, लेकिन हम जानवर हैं या इंसान है मैं नहीं पता, लेकिन काम हमारे सारे जानवरों वाले हैं। हमने प्रैक्टिकली फील्ड में जाकर कभी नहीं सोचा कि जनाब अब अगला सीजन किसका है, ये चीज शॉर्ट हो जाएगी, हम प्रीएम्प्ट करके वो चीज हम पहले से उसको कर लें। टर्की की मिसाल आपने दी, जो आप मेरे से बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले भी, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारा मुल्क सारा सब कुछ आपने शुरू में क्या दिया जी, कि उसके पास सब कुछ अवेलेबल है, एक नहीं अवेलेबल है तो गवर्नेंस अवेलेबल नहीं है। सही, कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ, ये भट्टी साहब ने तो कह दिया कि ऐसे निज़ाम नहीं चल सकता, सैफुर्रहमान साहब जी जी, उन्होंने कहा ये मुल्क जो है 22 करोड़ का मुल्क ऐसे नहीं चलाया जा सकता। मुमताज़ भट्टी साहब ने अपना फाइनल नोट दे दिया। डू यू थिंक देयर इज एनी स्पेस स्टिल, कोई गुंजाइश मौजूद है कि चीज़ों को कर लिया जाए? कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं है ना? मेरा ख्याल है कि स्पेस तो होती है आपके यहाँ, देखिए वैक्यूम में तो बाकी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक, तो अगर कोई निज़ाम हुकूमत या हुकूमत फेल होती है, ठीक, तो उसका मुतबादल तो आपके पास एक पार्लियामेंट तो है, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट इन हाउस तब्दीली हो सकती है, दूसरी पार्टीज को मौके मिले, लेकिन जब तक आपका निज़ाम है, जब पार्लियामेंट, मैं समझ रहा हूँ हम इदारों की बात करते हैं ना जी, सबसे कमज़ोर इदारा इस वक्त पार्लियामेंट है। अगर पार्लियामेंट एम्पावर हो जाए, अगर पार्लियामेंट असर्ट करे, और अगर पार्लियामेंट के अंदर ये एक तसव्वुर आ जाए कि हम सब आवाम के आगे जवाब दें, भले हम पीटीआई के हैं, नून लीग के हैं या किसी और जमात से हैं, तो फिर मेरा हर जब पार्लियामेंट असर्ट करके कुछ फैसले करेगी और अपने आप को एम्पावर करेगी, या एम्पावरमेंट किसी से एम्पावरमेंट आपकी तवक्को ना रखें आप। मुमताज़ भट्टी साहब, और अगर हमारे अंदर ये एहसास आ जाए कि हम आवाम के सामने नहीं बल्कि अदनान के सामने जवाब दें, तो फिर तो यही कुछ होगा ना जो हो रहा है इस वक्त। मैंने ऐसे एक ख्याली नाम ले लिया अदनान। देखें रिजवान साहब, जितने अब तक इवेंट्स बड़े हुए हैं या इंसिडेंट्स हुए हैं, जो कुछ अब तक हुआ है उसमें पार्लियामेंट तो बाईपास हुई है। वो अमेरिका के साथ आपकी बातचीत हो, जो आपका विजिट था, जो आपके अफगानिस्तान के ऊपर पॉलिसी है इस वक्त, जिस तरह आप बातचीत कर रहे हैं, आपने वहाँ से कैसे लोग छुड़ाए, यहाँ पे उनका ऑफिस खुलने जा रहा है, अगले मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे पहले जितने इवेंट्स हैं सऊदी अरब के हवाले से, पार्लियामेंट तो इसमें कहीं नज़र नहीं आती, नंबर वन। नंबर टू, आपके पास ऑप्शन रह गया कि आप सिस्टम के अंदर दो तरीके हैं आपके पास, कि या करेक्शन और सर्जरी करें और या फिर जो है वो कोई और इन प्लेस करें। अब जब आप करेक्शन और सर्जरी करने लगते हैं तो ये पहले नेसेंट सिस्टम, यानी कि ये जो पॉलिटिकल नज़्म व नस्क है, ये नेसेंट है, नौजायदा है अभी तक, और इसकी क्या सर्जरी करेंगे आप? ये तो हरकतें क्लब बंद हो जाएगी इसकी, तो अब आपके पास चॉइसेस नहीं है, रौला ये है, बाकी हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे चलना है तो ऐसे चलाते रहें, लेकिन ऐसे चला नहीं करता, ऐसे चला नहीं करता। खालिद फारूकी साहब, अच्छा आप कुछ कहना? एक तरफ वो भट्टी साहब ने कहा जी कि पार्लियामेंट नजर नहीं आ रही, भट्टी साहब गौर से देखें, स्मॉग आई हुई है इसलिए नजर नहीं आ रही, स्मॉग आ रही है इसलिए नजर नहीं आ रही। खालिद फारूकी साहब, कंक्लूड कर दीजिए, इस्लामाबाद फॉग नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, इस्लामाबाद कोई फॉग नहीं होती, अरसलान भट्टी साहब ने की है उसका ख्याल रखे जरा। अच्छा मसला ये है कि जिस पार्लियामेंट में आप 10 ऑर्डिनेंस लेके तो 1-1.5 घंटे में मंजूर करवा ले, पार्लियामेंट की बेवकूती वहीं शुरू हो जाती है। बाकी जो मसाइल का हल है उस पर इमरान खान को अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें पंजाब जैसे बड़े सूबे में एक ऐसा सिस्टम लाना होगा जहां पे आपकी गवर्नमेंट नजर आए। अगर गवर्नमेंट नजर नहीं आएगी तो ना तो अवाम उस पर यकीन करेंगे, और ना ही जिन आड़तियों की, जिस सिस्टम की अवाम तक चीजें पहुंचाने की जो हमारे यहाँ फेलियर चल रहा है, ना ही इसमें कोई बेहतरी नजर आ सकेगी। जो कीमतें महंगी हैं, अवाम का सबसे बुनियादी कंसर्न जो है वो उन कीमतों का है। देखिए लोगों ने जिन लोगों को वोट दिए, जिन रहनुमाओं को, जिन पार्टियों को वोट दिए, उस वोट का मकसद ये था कि भाई आप हमारी फलाह बहबूद के लिए कुछ करें। अगर अवाम के लिए कुछ नहीं हो सकता तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर और कोई प्रॉब्लम, मतलब ये कि वो कोई नहीं। और फिर जिस मुल्क में देखिए
लोग डेंगू जैसे मर्ज का शिकार हो गए, बिल्कुल ठीक, और कोई उनका पुरसाने हाल और पता इंतजार किस बात का हो रहा है, सैकड़ों लोग डेंगू से बचाने के लिए इंतजार हो रहा है, सर्दी बढ़ेगी, मौसम की मच्छर मरेगा और हमारी जान चली जाएगी। चले बहुत शुक्रिया खाज फारूकी साहब, मियां सैफ रहमान साहब, जनाब अरसलान रफीक भट्टी साहब और मुमताज भट्टी साहब। पंजाब में एक शख्स था जी जो हुकूमत का तर्जुमान था, वो साहब जो हैं वो अमेरिका गए थे सरकारी स्कॉलरशिप के ऊपर, बॉन्ड भरा था उन्होंने कि वो वापस आएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए, वो अमेरिका में गायब हो गए, वहाँ पे उन्होंने अमेरिकी शहरियत ली, और जब उन्होंने ये सब कुछ कर लिया तो फिर वो पाकिस्तान आए और पीटीआई में शामिल हो गए और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मुकर्रर हो गए। उन्होंने सरकारी तौर पर जो पैसा खर्च किया वजीर आला के अंडर बैठ के उन्होंने जब उसके तर्जमान थे, तो उसका हिसाब किताब ही देने को तैयार नहीं, वो सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर, हु इज ही, उसकी नेशनलिटी भी चेक नहीं हो रही, हु इज ही, अमेरिका के साथ हमारा डुअल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है, और अगर वो अमेरिकन नेशनल हो चुका है, वो वहां पर इतने साल रहा है भाई, ठीक है भगोड़ा होके, एक दूसरा भगोड़ा है उसने भी एग्जैक्टली यही किया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्कॉलरशिप पे अमेरिका में गया था और वहाँ पे जाके पीएचडी की और भिगोड़ा हो गया और वहाँ पे मुख्तलिफ अदारों में काम करता रहा, उसको मौजूदा हुकूमत ने प्लानिंग कमीशन के ऊपर आला ओहदे पे मुतमक्कन कर दिया। ये सारे भगोड़े जो हैं मौजूदा हुकूमत को क्यों टक्कर रहे हैं, ये आज ज़रूर सोचिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।